मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, पैसे चाहिए, कुछ पैसे दे दो या कुछ खिलाओ। एक मिनट भाई, ये पकड़ लो, ये 10,000 का, ये बहुत ज्यादा है, आप रख लो, मुझे इतने मत दो, मैं थोड़ी दवाई ले लूंगी मम्मी की थोड़ी। आपको मैंने पहले कहीं देखा है, मैं और कोई मेरे पास है नहीं ना, क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर सकती हूँ। मैं खाना मांगने आई थी, थोड़ा उनको भूख लग रही, सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो मैं खाना भी दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप हमारे चैनल चिक चिक पुम फायर में, आप अपनी सिमरन। और आज का जो प्रैंक है बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये प्रैंक होने वाला है बी प्राग पे, आप सब लोग जानते होंगे। आज वो मीटिंग के लिए आए हैं अंदर वहाँ पे, तो जैसे ही वो बाहर निकलते हैं मीटिंग करके, फिर मैं एक खतरनाक सा प्रैंक करने वाली हूँ। देखते हैं वीडियो में क्या रिएक्शन आते हैं उनके, मेरे को खुद डर लग रहा है कि कुछ और ना हो जाए। तो आप वीडियो को पूरा देखना, मैं आपसे मिलूंगी वीडियो के एंड में। अरे बेकार, कहाँ घूम रहे गंदे कपड़े, हट। हेलो, हाँ, ओ कुछ मिल जाएगा खाने के लिए भैया, आ रहे हैं बाहर। मुझे कुछ खाना भैया, आ रहे हैं बाद में बात करते हैं आपसे, आप कुछ दे दो खाने के लिए। एक मिनट रुक जाओ ना, अरे मेरे को कुछ, एक मिनट मना कर दिया था ना, रुक जा अभी वो ठीक। हाँ भाई, मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, पैसे चाहिए, कुछ पैसे दे दो या कुछ खिलाओ। एक मिनट भाई, क्या हो गया? मेरे को कुछ पैसे चाहिए घर के लिए। फैमिली है? फैमिली नहीं है, फैमिली में बस मम्मी है, वो बीमार है बहुत। आप बैठो पहले प्लीज। नहीं, मुझे बस खाना दे दो। दो मिनट बैठो, मैं खाना भी ला दूंगा, आप बैठो प्लीज। आप बैठिए। मैं बैठ जाऊंगी, आप मुझे, आप बैठो, मैं खाना भी दे रहा हूँ आपको, आप बैठो। आप बताओ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? आप सच बताना मुझे, झूठ नहीं। ये देखो, आपने बाल भी कलर करवा रखे हैं, ये कहाँ से करवा लिए? ये मेरे को किसी ने करवा दिए थे, पैसे दिए थे, बहुत कोई अच्छा बंदा था, तो उन्होंने मेरे को खाना बना दिया। भीख मांगना, क्यों मांग रहे हो भीख? मेरे पास कोई काम नहीं। देखो भैया, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कहीं काम नहीं मिलता। जरूरी थोड़ी है कि पढ़े लिखे कोई काम मिलता है, बट ये ऐसे अपने हालात बना रखे हैं, क्यों भैया? हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने को, पीछे हम फुटपाथ पे रहते हैं, मम्मी है मेरी, उनकी तबीयत बहुत। सच्चाई बताओ, कि आप किसी रैकेट में तो नहीं हो जो आपसे भीख मंगवा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आजकल बहुत रैकेट चल रहा है ऐसे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पूरी हेल्प करूंगा आपको, जो चाहिए, पैसा चाहिए, खाना चाहिए, सब दूंगा, बट सच बता के चलना, मुझे क्या प्रॉब्लम है? सच ये है कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उनका इलाज कराना, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। घूम के आप उनका करवा लोगे इलाज सारा? और कोई मेरे पास है नहीं ना, क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर सकती हूँ। मैं खाना मांगने आई थी, थोड़ा उनको भूख लग रही, सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो मैं खाना भी दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, बट आप अपने आप को मेंटेन करो थोड़ा। मैं भीख मत मांगो, भीख मांगने के सिवा कुछ भी नहीं है कोई मेरे पास। है आपके, देख रहा है जो आप बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बता दो मुझे क्लियर, पूरी हेल्प करूंगा मैं आपकी। नहीं, बस मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, और अभी क्या दिक्कत, सब क्या कुछ है घर है, उनको दिक्कत है। क्या प्रॉब्लम है? आप एक बार चल के देख लो। फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सिर्फ मम्मी है और कोई भी नहीं है। फादर, ब्रदर, सिस्टर? नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अब क्या है ना, सब दिवाली बना रहे हैं, और मेरे को मेरे घर में कुछ भी ऐसा नहीं है। भाई चलते हैं, दो मिनट रुक जाओ प्लीज, दो मिनट रुक जाओ, मुझे बात करने दो। हर किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी थोड़ी है, हर किसी की फैमिली में कुछ इशू हो सकता है, हमें समझना चाहिए। हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? नहीं भैया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, कसम से मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है। दो मिनट रुक जाओ, मुझे बात करने दो, दो मिनट। आपको मैंने पहले कहीं देखा है? भाई दो मिनट है, दो मिनट। किसी गाने में मैंने आपको देखा है, आपकी शक्ल उनसे मिलती है। हाँ, वो बी प्राग है एक्चुअली। हाँ, वही। तो आप क्या वो कर? नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं उनकी कॉपी। आप उनकी तरफ बिल्कुल सेम लग रहे हो। मैं उनकी कॉपी हूँ, हम भी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, छोटे मोटे एनिवर्सरी पे बुलाते हैं। तो आपके पास तो बहुत अच्छे खासे कमाते होगे ना? ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी थोड़ा ही मिलता है। मेरे को कुछ काम दे सकते हो आप? अपने साथ कोई काम दे सकते हो? क्या आप काम करोगे? जैसे आप करते हो, मेरे को भी कोई ऐसा काम दे दो। आपके घर में चाहे मेरे को झाड़ू पोछा बर्तन का नहीं, कोई नहीं, नहीं।
अच्छी बात नहीं है, झाड़ू पोछा लगवाऊंगा आप सिस्टर की तरह हूँ मेरी। मैं भी नॉर्मली इंसान हूँ, कोई ये नहीं हूँ कि करोड़पति या लखपति कुछ नहीं, थोड़ा सा कमाता हूँ थोड़ा सा खाता हूँ, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 मिलता है हमें, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। आप इतने कमाते हो? इतने ही कमाते हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप मुझे रख सकते तो काम मैं कर लूँगी। कोई नहीं, मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी, आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं, ये काम मिल जाता, और सबके घर में दिवाली आ रही है, मैं आप होता ना गरीबों की दिवाली, आप सब तो बना रहे हैं, हमारी कोई दिवाली नहीं होती है, तो उसके लिए मैं सोच रही थी मेरी मम्मी की दवाई आ जाए, कब मैं, मेरे को भी मेरा मन है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, और मेरे घर वाले भी, मतलब मम्मी है घर में, तो उनके लिए कपड़े लेके जाऊं, मिठाई लेके जाऊं। मैं भी लाखों रुपये तो कमाता नहीं हूं, लाखों रुपये अर्न नहीं है मेरी, छोटे मोटे शो करके 10-20,000, 25,000 कमा सकता, लाखों में तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, बट थोड़ी सी तो कर सकता हूँ कि आपके घर में खुशियाँ आ जाएं, आप भी दिवाली पे दीवे जगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आपके लिए, तो बताओ मुझे क्या चाहिए। मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मेरे को थोड़े से पैसे या कुछ खाने के लिए, खाना भी मैं ले जाऊँगी। हाँ, मैं खाना भी पैक करवा देता हूँ, पैसे भी दे देता हूँ आपको, बट आप ऐसे प्रॉमिस करो आज के बाद ऐसे नहीं घूमूंगा। मेरे पास और कोई काम नहीं है इसके सिवा, मैं क्या करूँगी आप बताओ। पूरी सपोर्ट करूँगा, कहीं भी काम के लिए जाओ तो सब ऐसे देखते हैं, लड़की को देख के। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा, मेरा फुल सपोर्ट है आपके पास। नहीं, घर पे कहाँ जाएंगे, मेरे को और कोई काम नहीं पता कि क्या करूँ। देखो, मैं एक काम करता हूँ, आप मेरे साथ अपनी मदर को लेके घर पे चलिए, बट अपना घर समझ के रहिए, मैं मदर का इलाज भी करवाऊंगा। या तो आप ऐसा करते ना, मैं आपके घर में काम कर लेती थोड़ा बहुत, तो फिर आप मदर को लेके घर पे आइए, ठीक है, उनकी सेवा करिए, मैं जो भी इलाज में खर्चा आएगा जैसे भी होगा मैं कर लूँगा, थोड़ा बहुत कर लूँगा, बट अपना समझ के चलना मेरे घर। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगी, लेकिन आप अभी बस मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं चली जाऊँगी। हेलो भैया, क्या खाओगे? कुछ भी खा लूँगा भाई, कुछ खाने के लिए ला दो उनके लिए, ये मैं थोड़े से पैसे देता हूँ। कितने, 10,000 तक हो जाएगा आपका? मैं कुछ थोड़े, मेरे को इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे आप थोड़े से दे दो। ये पकड़ लो, ये 10,000 तक है, ये बहुत ज़्यादा है, आप रख लो, मुझे इतने मत दो, मैं थोड़ी दवाई ले लूँगी मम्मी की थोड़ी सी। कोई नहीं, आप रख लो, ये मुझे पेमेंट आई थी रात को, कहीं शो पे जाना है मुझे, तो एडवांस लिया था, तो ये आप ही के नाम का ही होगा। आप इतना कर रहे हो मेरे को, इतना आपके नाम का ही होगा, इसलिए बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी हेल्प करते हैं, आपने मेरी इतनी हेल्प करी है, मेरे को कुछ कहने का कुछ नहीं। हम भी आप जैसे नॉर्मल इंसान हैं, हम भी कोई भगवान नहीं है, ये आपके नाम के ही होंगे, आपके पास आ गए पैसे, अभी ला रहा है खाना भी ला रहा है। अच्छा, बस 2 मिनट। अच्छा एक बात बताऊँ, अगर गुस्सा नहीं होगा तो पहले पक्का बोलो गुस्सा नहीं हो गए। वो जो वो पुलिस वाले अंकल आपके साथ थे ना अंदर, जो अभी आए थे, मैं उनके साथ ही हूँ। मतलब कि वो आप पे वीडियो शूट कर रहे थे ना, तो मैं उनकी टीम में ही हूँ, मैं आप पे एक प्रैंक शूट करने आई थी, मतलब एक कि आप कैसे हो कैसे नहीं, तो उस पे तो ही पैसे रख लो अपने पास, ठीक है। यार सही में आप निकले तो मैंने सोचा चल आपको एक प्रैंक कर लेती हूँ, मैं उनके साथ ही थी, वो अभी वहाँ भी प्रैंक हो रही है, वो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया प्रैंक, पर कहाँ रहते हैं? हमारे पास में ऑफिस ही है, वो वहीं पे गए हैं। तो आप लेके चल सकते हैं मुझे वहाँ ऑफिस में? हाँ, मैं भी तो जरा मिल के आऊँ इनको, यार अब पता नहीं आगे जाके कौन सा मेरा सीन क्रिएट करोगे। नहीं, ऐसा कोई सीन क्रिएट नहीं होगा, लेकिन आप सही में दिल से बहुत अच्छे हैं, ये मतलब इतनी हेल्प करी, मेरे को लग नहीं जाता, पता नहीं कैसा नेचर होगा क्या होगा, बट इन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी, हर किसी को ऐसी हेल्प करनी चाहिए, आपकी तरह सोचेंगे तो लोग, सही में बहुत अच्छे इंसान हो वैसे आप, बाय नेचर बहुत अच्छे लगे। अब खाना खाओ? खाना हाँ। खाना कोई बात नहीं, मंगा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, हम खिला देंगे आपको खाना, आप साथ अगर चलना तो साथ चलना, पास में ऑफिस ही है। सॉरी भैया मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, आ जाओ मैं आपको बता देती हूँ।